स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जयतुले आयो मां शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक 579। आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एन के नैफ साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है कानपुर से। आपका जो विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिए, पार्ट 22। इससे पूरी पार्ट 21 ले चुके हैं। अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए आदरणीय नैफ साहब को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि तो बिल्कुल संतुलित जीवन वो खुद भी जीते हैं और दूसरा उसका भी बताते हैं कि किस प्रकार से जिया जाए। अगर किसी को वास्तव में संतुलित जीवन देखना है तो 21 पार्ट में देख सकते हैं, पिछले सब मिल जाएंगे उसमें। आदरणीय साहब बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। आज 589वां सोपान है, आप समझ लीजिए कितनी लंबी यात्रा हम लोगों ने कर ली है और बड़ा अच्छा लगता है कि कंटिन्यूटी में चल रहा है। आज के उद्बोधन को प्रारंभ करने से पहले माँ गायत्री का जाप, उनकी आराधना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां जगदम्बे, मेरी वाणी में शक्ति दे। आज का प्रारंभ करते हैं हम एक छोटी सी स्टोरी से। एक संत महात्मा एक पंसारी की दुकान पे गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर डिफरेंट टाइप के डिब्बे रखे हुए थे जिनमें अलग अलग सामग्री का नाम लिखा हुआ था। तो उन्होंने एक डिब्बे पूछा, इसमें क्या है? उसने कहा, साहब इसमें हल्दी है। तो उसने दूसरे डिब्बे की तरफ इशारा किया, भाई उसमें क्या है? उसने कहा, साहब इसमें हींग है। तीसरे डिब्बे की तरफ इशारा किया, उसमें क्या है? उसने मिर्च की बात बताई। ऐसे अलग अलग डिब्बों के बारे में पूछता रहा तो सबके जवाब देता रहा कि इसमें ये है, इसमें ये है। फिर एक पीछे एक डिब्बा पड़ा हुआ था सबसे ऊंचाई पे, उसने पूछा उसमें क्या है? उसने कहा इसमें राम राम है। राम राम है? राम राम का क्या मतलब? कहता साहब जो डिब्बे में कुछ नहीं होता, जो खाली होता है उसको हम राम राम कहते हैं। संत महात्मा जो उसकी शॉप पे गए थे उसको सामान लेने के लिए, सामग्री लेने के लिए, इतना सुनते ही उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने। कहते पता है छोटा सा पंसारी जिसको ना किसी धर्म ग्रंथों के विषय में ज्ञान है ना कुछ है, इसने आज मुझे इतना पाठ पढ़ा दिया कि जहां कुछ नहीं है वहां राम है। यानी राम को आने के लिए हमको स्थान खाली करना पड़ा। राम तभी आते हैं जब स्थान खाली हो, अदरवाइज तो किसी में मिर्च है, किसी में हल्दी है, किसी में मसाला है, किसी में कुछ है। यानी कि जब तक हम अपने हृदय को खाली नहीं करेंगे संसार की विभिन्न चीजों से जिनसे अटा पड़ा हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, तब तक भगवान के रहने के लिए स्थान कहां बन पाया? क्रोध, मोह, किसी भी तरह का द्वेष, ईर्ष्या, किसी भी तरह की नेगेटिविटी, मैं, मेरा अहंकार, मेरा अहम, इन सबको जब तक हम अपने हृदय से नहीं निकालेंगे, इन सबसे अपने इस डिब्बे को खाली नहीं करेंगे, तब तक राम कहां आ पाएंगे? कहते ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। जब तक मेरे अंदर मैं था, मेरा अहम था, मेरे दोष थे, मेरे अवगुण थे, तब तक ईश्वर नहीं था। और जैसे मैंने अपने अंदर से मैं को हटाया, आई को रिमूव किया, वैसे ईश्वर का प्रवेश हो गया। फिर हृदय में सर दीपक जो जल रहा था वो ईश्वर की प्रकाशमान दीपक जल रहा, उसी के प्रकाश से मेरा जीवन आलोकित है। सबसे पहले अपने आप को खाली करिए, ईश्वर को प्राप्त करना है तो अपने अंदर से चीजों को हटाइए। संतुलित जीवन की बात होती है कि संतुलन जीवन में कैसे बनाए। संतुलन बनाने के लिए चीजों को हटाना ज्यादा जरूरी है। जैसे आप देखते हैं ना, कंप्यूटर चलता है, मोबाइल चलता है, तो कई फाइलें अपने आप आती जाती हैं और डिफरेंट टाइप के
वायरस वगैरह आ जाते हैं, जब तक आप उनको हटाएंगे नहीं तब तक आपका ना मोबाइल ठीक से काम करेगा ना कंप्यूटर ठीक से काम करेगा। ऐसे ही जीवन में चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते डिफरेंट टाइप की चीजें, डिफरेंट टाइप के दोष अपने आप ही चलते फिरते हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। उन सबको हटाना बहुत आवश्यक है। जब तक उनको हटाएंगे नहीं हमारा जीवन में किसी तरह का बैलेंस आ ही नहीं सकता। भरता जा रहा है, हम चीजों को भरते जा रहे हैं, उससे हल्का कीजिए, हटाइए, दीजिए, समाप्त कीजिए उन चीजों को जो आपके मतलब की नहीं है और आप में रुग्णता पैदा कर रही है, आप में बीमारी पैदा कर रही है। बीमारी से शरीर के ताप से बुखार से नहीं होती, दिमाग से बीमार कर दे रही, कोई हृदय से बीमार कर दे रही, हृदय से दुर्बल कर दे रही। कितना आसान है चीजों को हटाना। आपको पता है, मैं पिछले भी कई बार मैं कह चुका हूं कि ये संसार अपने आप में सत्य है, सच्चाई है। ये संसार है ये अपने आप में सबसे बड़ा सच है। इसको चलाने वाला ईश्वर है ये अपने आप में बड़ा सत्य है। इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं हो सकता। आपके किए कुछ नहीं होने वाला, आपके किए एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जब सब कुछ वही कर रहा वही तो सत्य है, वही अटल है, वह अकाट्य है। जब वो सत्य है तो हम अपने ऊपर झूठ का लबादा क्यों ओढ़ते हैं? और अगर अपने आप को सरल बनाना है, निर्मल बनाना है, सहज बनाना है, बैलेंस्ड बनाना है, तो सबसे पहले आप अपने ऊपर से झूठ का लबादा हटाइए। झूठ का लबादा का मतलब हम जो नहीं हैं हम वो दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? क्यों ऐसा चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में वो सोचें जो मैं नहीं हूं? मैं अंदर से क्या हूं ये मेरे से ज्यादा और कोई नहीं जानता। मैं या मेरा परमात्मा नहीं जानते कि मैं अंदर से क्या हूं, मेरे में क्या कमियां हैं, क्या दोष है, क्या अवगुण है। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं दूसरे के सामने बैठते, चाहते हैं कि वो हमारी सिर्फ अच्छाइयों को देखे और मेरी उन अच्छाइयों को भी देखे जो मेरे अंदर नहीं है, और मेरे उन गुणों अवगुणों को, मेरे उन दोषों को बिल्कुल ना देखें जिससे मैं भरा हुआ। यही झूठ का लबादा है। और सत्य वही है कि जब आप अपने आप को जैसे हैं वैसे ही प्रस्तुत करते हैं। जब एक बार आप अपने आप को वैसे ही प्रस्तुत कर देंगे, आप में कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ कमी कुछ बुराइयां हो सकती हैं, उनके साथ अपने आप को समर्पित कर दें ईश्वर, उनके साथ अपने आप को समाज के सामने एक्सपोज कर दी, जहां आपसे झूठ का लबादा हटा, आपके सारे स्ट्रेस खत्म, आपके सारे टेंशन खत्म, आपके सारे असत्य समाप्त, आपके सामने सिर्फ सत्य होगा, सत्य के सिवा कुछ। और जहां आप सत्य की ओर बढ़े वहीं आप सहज हो जाएंगे, आप निर्मल हो जाएंगे, आप सद्भावना वाले हो जाएंगे और धीरे धीरे जो बुराइयां हैं वो खुद ही अपने अंदर से समाप्त होनी शुरू। आपने देखा होगा कि हम लोग दूसरे के इवेल्यूशन के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है? बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, उनका एक ही टारगेट रहता है, अच्छे नंबर ले आओ, अच्छे नंबर ले आओ। हम लोग भी चाहते हैं कि क्लास में टॉप करें। 40 बच्चे हैं, 40 के पेरेंट्स यही सोचते हैं टॉप करें, प्रेशर दिए रहते हैं। बच्चा भी रगड़ रगड़ के, रट रट के चीजों के, शायद उसको कंसेप्ट क्लियर हो या नहीं हो, एक एक सेंटेंस को रट के वो एग्जाम देता है और एग्जाम में अच्छे नंबर ले आते, कुछ नहीं भी ला पाते। जो अच्छे नंबर लाते हैं 100 में 100 भी ले आते हैं, 100 में 90, 99, 95, 92, बड़े अच्छे अच्छे परसेंटेज बच्चों के आते हैं और मैं उनकी तारीफ करता हूं, उनकी बुराई नहीं करता। लेकिन आपने जिन टारगेट्स को अचीव किया, क्या यही आपके जीवन का ध्येय है? उसके पास भी IIT में बैठेंगे, JEE में बैठेंगे, उसके IIT में एडमिशन लेने के लिए, CPMT में बैठेंगे, अब नीट कहलाता वो, डॉक्टर बनने के लिए और अच्छे एडमिशन के लिए जाते हैं, गेट वगैरह के लिए जाते हैं। वो सारे सिंबल बन गए हैं हमारे इवेल्युएशन के लिए कि बच्चे ने अगर IIT क्लियर कर लिया तो बहुत इंटेलिजेंट, उसके 99% आ गए तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको MBBS कर लिया तो बहुत इंटेलिजेंट। इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं कि वो इंटेलिजेंट है, लेकिन ये टारगेट उसने फिक्स किए थे, उसने खुद नहीं किए थे। टारगेट्स उसने अचीव किए हैं वो डिफरेंट बोर्ड से फिक्स किए, चाहे नीट का बोर्ड हो, चाहे JEE का बोर्ड हो,
अपना आईसीएसई का बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई का बोर्ड हो, या यूपी बोर्ड हो, कहीं का बोर्ड हो, उन्होंने आपके लिए टारगेट फिक्स किए कि आप इस तरीके से करिए, इन प्रश्नों के इस तरीके से जवाब दीजिए, आपका सिलेबस है, आप उनको अचीव करिए तो आपको इतने मार्क्स मिल जाए। वो टारगेट सेट किए दूसरों ने आपके लिए और आपने उनको अचीव किया और दूसरों ने आपका इवेल्युएशन किया, आपने सिर्फ उनके हिसाब से, अब बात जो बात कहने जा रहा हूं उस बात को समझिएगा, आपने सिर्फ दूसरों के सेट किए हुए टारगेट को अचीव करने के लिए और उनके इवेल्युएशन में बहुत अच्छे अपने आप को साबित करने के लिए उनके बनाए हुए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई की और अच्छे नंबर प्राप्त किए। इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन, आपने अपनी जिंदगी के लिए क्या किया, कुछ नया किया? ये तो सभी करते हैं। मजा तो तब है जब दूसरे आपका इवेल्युएशन ना करें, दूसरे आपका मूल्यांकन ना करें, आप स्वयं अपना मूल्यांकन करें और स्वयं के मूल्यांकन के लिए आपको अपने टारगेट्स खुद फिक्स करने पड़ेंगे, आपको अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य खुद बनाने होंगे। आपने अच्छे नंबर प्राप्त कर लिए, आपको सेटिस्फेक्शन हो गया, आपके परिवार को सेटिस्फेक्शन हो गया, आपने आईआईटी में एडमिशन मिल गया, आपको सेटिस्फेक्शन, आपके परिवार को सेटिस्फेक्शन, आईआईटी से क्लियर किया, आपको बहुत अच्छी जॉब ऑफर हो गई, बहुत बढ़िया पैकेज मिल गया, आपको सेटिस्फेक्शन है, आपके परिवार को सेटिस्फेक्शन है, आप अपने घर से दूर देश में या विदेश में कहीं जाके नौकरी करने लगे, पैसा कमाया, आपका बैंक अकाउंट हैवी हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया, हो गया क्या, लेकिन आपने किया क्या? यही जीवन है, आपके मन को इससे संतुष्टि मिली? इससे आपने किसी को खुशी दी? अभी आप उन लोग के मेंटल स्ट्रेस के बारे में देखिए, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में देखिए, उनके परिवार के बारे में देखिए, हो सकता है कुछ लोग बहुत खुश हो, बहुत अच्छा अचीवमेंट है, लेकिन जब तक आप अपने लिए टारगेट खुद के लिए नहीं फिक्स करेंगे, इसमें क्या होना चाहिए कि आप मासेस के लिए क्या कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, आपके टारगेट्स अचीव करने से दूसरों को क्या फायदा होने वाला है, आपको ये जीवन से खुद को ही प्रसन्नता देने के लिए या खुद को ही अचीवमेंट्स देने के लिए नहीं है, आपको इस जीवन जो दिया गया है लोगों में खुशी देने के लिए किया गया, परिवार में खुशी देने के लिए किया गया, समाज में प्रसन्नता देने के लिए किया, ऐसा कुछ करिए जिससे बहुत जरूरत, मतलब बहुत ज्यादा लोगों में जाके हैप्पीनेस हो, आपका जो सिर्फ खुद और खुद परिवार नहीं बल्कि समाज के लोगों का हित, वो टारगेट फिक्स कीजिए, अपने लिए लक्ष्य बनाइए और उसके बाद 100% अपना दीजिए उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। अगर आपने उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया, उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली, उन टारगेट्स को अचीव कर लिया, फिर वो आपका सही मूल्यांकन होगा अपने बारे में कि आपने की वजह से कितने लोग खुश हुए, उसके बाद जब आपके वजह से जब लोगों में प्रसन्नता होती, मासेस के लिए आपके बड़ा काम करते हैं, तो उस अचीवमेंट को देखिए फिर आपके हृदय को कितनी प्रसन्नता मिलती है, उसका तो फिर कोई जोड़ ही नहीं है, वही लक्ष्य होना चाहिए, वो इवेल्युएशन होना चाहिए, सेल्फ इवेल्युएशन, खुद अपना मूल्यांकन कीजिए, खुद अपने टारगेट सेट कीजिए। ये मेरा आज का मंत्र है यंगस्टर्स के लिए, जो तो नवयुवक हैं उनके लिए। दूसरी चीज, वी शुड लर्न हाउ टू बी ग्रेटफुल, हमें कृतज्ञ होना है, कृतज्ञता प्रकट करनी है, हमको जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है जिसमें हमारे पास दिमाग है, सोचने की ताकत है, संसार में कुछ बदलाव लाने की ताकत है, 80 लाख योनियों में सबसे उच्च कोटि का जीवन मिला है, बाकी तो जीव जंतु पैदा होते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं और संसार को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन हम लोग संसार में बदलाव ला सकते हैं, पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, संसार की कुछ भलाई कर सकते हैं, लोगों की भलाई कर सकते हैं, उसके लिए हमें ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए। सबसे पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट कीजिए कि आपने ये ईश्वर, आपने हमको ये मनुष्य का जीवन दिया, जिस घर में आप पैदा हुए, जिस वंश में पैदा हुए,
भगवान राम सूर्य वंश में पैदा हुए थे, ऐसे आप भी किसी वंश में पैदा हुए, उस वंश के प्रति कृतज्ञता प्रकट कीजिए जिसने आपको एक्सेप्ट किया अपने वंश। फिर कृतज्ञता होती है आपकी अपने माता पिता के प्रति, जिनके द्वारा आप इस संसार में आपको जीवन मिला और जो आपकी लगातार सेवा कर रहे हैं, आपको बड़ा कर रहे हैं। कृतज्ञता होनी चाहिए आपकी अपने भाई बहनों के प्रति, कृतज्ञता आपके सखा प्रति, गुरु के प्रति, समाज के प्रति। वी शुड लर्न हाउ टू बी ग्रेटफुल, एक एक चीज के लिए कृतज्ञ बन रही हुई। भगवान के प्रति कृतज्ञता, देखिए कितना कुछ देता है ईश्वर। कभी आप सोचिए, आप कभी पेरेंट्स के पास बैठिए और उनसे सब बातें कीजिए और ये सोचिए कि कितने लोग हैं जिनके पास अपने पेरेंट्स नहीं आज की तारीख, वो अपने सुख दुख किससे कहेंगे। क्योंकि जब हम अपने माँ बाप के पास बैठते हैं तो अपने दिल का गुबार निकाल लेते, चाहे लड़ाई झगड़े की बात हो या दुखी मन हो, ऑफिस में कहीं कोई बात हो, हम लोग अंदर की बात, दिल की बात उनके सामने कह देते और दो चार आंसू भी बहा लेते हैं। ये मोमेंट सबको नहीं मिलते, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करिए। अगर आपको अच्छी पत्नी मिली है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करिए, आपको पुत्र मिले हैं, पुत्री मिली है उसके लिए धन्यवाद करिए, आपको रहने के लिए घर मिला है, कितने लोग हैं जो आप शाम को रात को सड़क पे निकलिए देखिए कितने लोग फुटपाथ पे सो रहे होते हैं, जो मोमिये के बना बना के छोटे छोटे से घरौंदे उनमें रह रहे होते हैं, स्टेशन के बाहर कितने लोग पड़े होते हैं। आपको ईश्वर ने घर दिया है उसके लिए उसके प्रति कृतज्ञ रहिए, अच्छी नौकरी दी है उसके लिए प्रति के लिए उसके प्रति कृतज्ञ रहिए, अच्छे मित्र दिए हैं उसके लिए उसके प्रति कृतज्ञ रहिए। पल में उसने आपको इतना कुछ दिया है कि आपको उसका कृतज्ञ भूल ही नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग की आदत होती है वो सिर्फ कमियां देखते हैं, सिर्फ कष्टों की तरफ उनका ध्यान जाता है। जैसे आप ईश्वर ने 32 दांत दिए, किसी एक दांत को हल्का सा टूट गया या कुछ हो गया तो जुबान बार बार उसी दांत में जाती है जो नहीं है या जिसमें कोई खराबी है, बाकी जो 31 दांत साबुत है जिनसे आप खाना खा रहे हो उसकी तरफ नहीं। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, जो मिल गया उसकी हम कदर ही नहीं करते, जो नहीं मिला उसी के बारे में परेशान रहते हैं। ये है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग, कुछ चीज नहीं है उसी की तरफ बार बार ध्यान जाता है और ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। इवन आप पेरेंट्स को देखिए, अगर आप लोग 3 4 भाई हैं, अगर इसमें एक या दो भाई बाहर हैं, कोई विदेश में गया है और या कोई दूसरे शहर में गया है, माँ भी बार बार उसी को याद करेगी, पेरेंट्स भी बार बार उसी को याद करेंगे। और जो साथ में बैठा हुआ सुबह शाम उनकी सेवा कर रहा है उसके प्रति शायद उनकी उतनी उत्कंठा ना रहती, जो नहीं है उसके प्रति प्रेम रहता, उसी की इच्छा रहती, जो आपको मिल गया उसके लिए। कभी कष्ट देखना हो ना, हम तो कहते हैं कि आप हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में जाइए, 24 घंटे बिता दीजिए, आपको पता चल जाएगा कष्ट कष्ट किसे कहते हैं। शमशान घाट में चले, कभी अहम हो रहा हो ना शमशान घाट में जाके देख लीजिए कि एक से एक बड़े धुरंधर जिनको लगता था कि इनके बिना काम ही नहीं हो सकता, सब एक साथ सब बराबर हो जाते हैं, सबकी कब्रों का साइज सेम है, कहीं कोई बड़ा छोटा नहीं। घरों में देख लीजिए जिनके पूर्वज बड़े बड़े बिजनेस बनाए और ये लग रहा था कि इनके ना रहने से बिजनेस का क्या होगा, चल रहे हैं ना बिजनेस उनके जाने के बाद भी, घर चल रहे हैं ना, अहम किस बात का। ये जो लैकिंग ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस वाली है, इससे हमको बाहर निकलना, अगर हमको संतोष प्राप्त करना, अगर हमको एक खुशी प्राप्त करनी, जो कमियां उसको छूट, आप एक कागज लीजिए, एक कागज में उन सबको लिखिए जो आपके जीवन में मिली है, जो आपके पास हैं, जो आपने बचपन से लेके अब तक अचीव किया है, और दूसरी तरफ वो लिखिए जो आप नहीं अचीव कर पाए,
आप देखेंगे जो आपको मिला है शुरू से लेके अब तक, कागज कागज भर जाएंगे। एक बार ईमानदारी से लिखना शुरू कीजिए, एक भी कमी नहीं रखी ईश्वर ने, सबको दिया है, सबके पास अवसर भी है। और जो नहीं मिला वो मुश्किल से दो चार चीजें होंगी, और उनको लेके अगर हम लोग ने जिन मिले हैं उनका नहीं हम उपभोग कर पा रहे हैं या उसके लिए खुशी नहीं कर पा रहे, फिर आप ही कोई मदद नहीं करेगी, तो कृतज्ञता है ना। ईश्वर के ब्लेसिंग्स है उनके प्रति कृतज्ञता है हमारी, हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। इसमें भी एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूं। एक होटल में एक बहुत खूबसूरत स्विमिंग पूल बनाया गया, 5 स्टार होटल में, बड़ी खूबसूरत टाइल्स लगाई गई इटालियन वहां पे, और उससे डिफरेंट उससे फिगर्स बने हुए थे, जैसे मोर बना दिया और कई मछली बना दी, क्योंकि स्विमिंग पूल था, डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स बने थे। एक दीवार पर मछली की तो यहाँ पे टेल एंड कर रही थी, वहां की एक टाइल गायब थी। लोग जाते थे देखते थे, बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ स्विमिंग पूल, सब कुछ है खूबसूरती, देखते थे। अचानक उनकी नजर वहां जाती थी, वहां निकल के कहते थे परफेक्शन में जजरा सी कमी रह गई, वो एक टाइल वहां से गायब है, वो टाइल लगनी चाहिए थी। टेस्ट इनफेक्ट, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट था लोगों की पर्सनैलिटी का। जो जाते थे उसमें हजारों टाइल्स लगी थी स्विमिंग पूल को बनाने में, उसके चारों तरफ के फिगर्स बनाने में, मिस्त्रियों के कार्पेंट लोगों के जितने भी उसमें टेक्निकल हैंड्स थे उनकी इतनी मेहनत लगी थी, वो सब जीरो हो गया जब उन्होंने देखा एक टाइल मिसिंग। हमारा सबका ध्यान, जितने भी लोग आए वहां पे, सबका ध्यान सिर्फ उस मिसिंग टाइल की तरफ, यानी कि हमारा ध्यान सिर्फ वही रहता जो नहीं है। एक टाइल नहीं होने से सारा मूड खराब हो गया, अरे परफेक्शन नहीं हो पाया। और उसके अलावा जो हजारों टाइल्स लगी हुई हैं, डिफरेंट फिगर्स बनी हुई हैं, कहीं मोर का बना है, कहीं मछली का बना है, कहीं फ्रॉग की फिगर बनी हुई है, कहीं किसी रेप्टाइल की फिगर बनी हुई है, उसको कोई नहीं देख रहा, सारा एप्रिसिएशन खत्म हो गया सिर्फ एक कमी से। यही हम लोग की ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब हम लोग आपस में रिलेशंस रखते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, हम लोग के घरेलू रिश्ते हो, हजार अच्छाइयां हो, उनके हजार पॉजिटिव चीजें हो, उन्होंने हजार हमारे पे एहसान, इतना अच्छा आपके लिए कर रहा है, अगर उसे कहीं एक बार कहीं कोई गलती से या अनजाने में या आपके परसेप्शन के हिसाब से, आपके मतलब के हिसाब से उस चीज को नहीं किया, वो आदमी बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, और आपके जितना आपके हृदय में उसके लिए इज्जत थी समाप्त, और अननेसेसरी का टेंशन और टसल, आपका बैलेंस बिगड़ गया, आपका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया उसके प्रति, आपके रिलेशन का बैलेंस बिगड़ गया, और बैलेंस लाइफ का तो आपने खुद ही भट्टा बैठा दिया। सुबह शाम वही सोच रहे हैं, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, उसकी सारी अच्छाइयां आपके जीवन के से, आपके दिमाग से गायब हो गई, आपके दिमाग में सिर्फ वही एक बुराई रह गई, और उस वजह से आप जगह जगह उसकी बुराई करने लगे। जब उसने ये सब सुना, यार ये तो मेरी बुराई कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो वहां से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए। कर लीजिए अब बैलेंस, कर लीजिए अब, आप कितना बैलेंस करेंगे। इसलिए कहते हैं ना, जब क्रोध करो या इस तरह की कोई बात करो तो एक बार रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप गलती कर लेते हो और जब तक ये रियलाइज करते हैं तब तक एक तो देर हो चुकी होती है, और फिर बाकी की जिंदगी आप उस गलती को सुधारते हुए गुजार दे। क्रोध में आके, आवेश में आकर, जल्दबाजी में आके आप एकदम से रिएक्ट कर जाते हो किसी भी चीज के लिए, और रिएक्शन करके आप 2-4-10 लोगों को बोल देते हो, और वंस यू रियलाइज कि यार हमने ये गलत बोल दिया था, ऐसा नहीं था, तो उसको सुधारने के लिए फिर बाकी की पूरी जिंदगी भी छोटी पड़ जाती है। एक बार दरार आ गई तो फिर दरार तो रहेगी, कहां तक उस दरार को मिटाएंगे। इसमें भी एक छोटी सी आपको, उनके फादर ने एक मकान बनाया, नीचे के पोर्शन ब्रदर को दे दिया, ऊपर का पोर्शन बड़े ब्रदर को दे दिया,
रहने लगे, बड़े सुख से रह रहे थे। घर था वो, पिता का घर था जिसमें दो भाई रहते थे, एक ऊपर एक नीचे। छोटा ब्रदर ऑफिस देर से जाता था और देर से आता था, बड़े ब्रदर जल्दी ऑफिस जाते थे जल्दी आते थे। तो सुबह लगते थे अपनी, तो छोटे को आवाज देते थे कि भैया अपनी गाड़ी हटा लो, मुझे निकलना है। ऐसे जब बच्चे भाग दौड़ करते थे रात के 10-11 बजे ऊपर की छत पे, तो नीचे वाले ऊपर से कह देते थे कि भाई थोड़ा सा बच्चों को समझाओ, बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं। छोटे को लगता था पता नहीं है भाई कैसा, हमारा बच्चों को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, उनके खेल को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, गाड़ी मेरे को सुबह उठवानी होती तो मुझे डांट के बुलाते कि पीछे हटाई क्यों नहीं तुमने गाड़ी। तो धीरे 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 मन में उनके कटुता बढ़ती चली गई। बात बात पे एक दूसरे को टॉन्ट भी करने लगे, थोड़ा सा कहना चाहिए लिहाज भी खत्म होने लगा। लिहाज वर्ड एक दूसरे के प्रति, बड़े भाई के प्रति लिहाज खत्म होने लगा छोटे का, लेकिन बड़े भाई उसको इग्नोर करते रहे। मन मुटाव जब हो चल रहा था, इसी बीच होली का चंदा मांगने के लिए मोहल्ले के लड़के आए। उन्होंने नीचे बड़े भाई उनके मिल गए, उन्होंने उनसे चंदा मांगा, उन्होंने कहा ठीक है, चंदा दे दिया। उसके बाद वो छोटे भाई के घर की घंटी बजाने लगे, तो उसने कहा क्या बात है, वहां घंटी क्यों बजा रहे हो? उन्हें साहब उनसे कहते वो अलग घर नहीं है, ये एक ही घर है, हम दोनों भाई एक ही घर पे रहते हैं, इसलिए एक ही चंदा मिलेगा, ये कह के उनको भेज गया, वो सब चले गए। ये एक ही घर है, हम दोनों एक ही हैं, ये सेंटेंस छोटे भाई ने सुन लिया, बस वहीं से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। क्या कह लगे बताइए, मैं अननेसेसरी की चीजें इस तरीके से कर रहा था, इनके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचा, ये तो हमको अभी भी एक ही घर मान रहे हैं, मेरे मन में पता नहीं कहां से ये बातें आ गई। उसके बाद कोई क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज लाइफ में, कैसे बैलेंस बनाया जाता, देखिए थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने। सुबह बड़े ब्रदर के घर से जाने से पहले ही वो अपनी गाड़ी हटा लेते थे, फिर बड़े ब्रदर ने कभी कहा ही नहीं, जब गाड़ी हटी हुई तो अपने निकाल के चले गए। जो सुबह का एक तू तड़ा के क्यों आ रहे हैं अभी, रुक जाइए तुम ऐसे क्यों करी, वो खत्म हो गई। रात के टाइम जब बच्चे थोड़ी सी भाग दौड़ छोड़ दी तो कह देते थे बैठो तुम लोग मत दौड़ो, बड़े लोग सो रहे हैं, उनकी नींद खराब होगी। तो आपने खाली परसेप्शन चेंज किया और आपके जीवन में संतुलन वापस लौट आया, प्रेम वापस लौट आया। तो हमारी जो सोच है वो इन चीजों पर निर्भर करती है, हमारा जीवन आगे कैसा होगा। बहुत अवसर आएंगे लड़ाई झगड़े के, उनको अवॉइड करना चाहिए, बहुत अवसर मिलते हैं। बात बात पे अगर हम निकालना चाहें तो ऐसी ऐसी बातें निकल आएंगी जिनमें कोई तत्व नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता। देखिए हमारी हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग घर के बीच में दीवार बनाने की बजाय पुल बनाए, ना केवल घर के बीच में बल्कि समाज में भी, सगे संबंधियों के बीच में, यारों दोस्तों के बीच में, और मिलने जुलने वाले जहां पर भी हमारा इंटरेक्शन होता है। वी शुड बिल्ड ब्रिजेस नॉट वॉल्स। पुल बनाइए, लोगों से मिलिए, मिलनसार रहिए, कोशिश कीजिए कि आपके बीच अगर कोई गलत फहमी हो खत्म हो जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब कहां किसकी कैसे जरूरत पड़ जाए। और इसके लिए क्या करना है, सिर्फ अपनी हठ धर्मिता, अपनी जिद, अपनी अकड़, अपनी एरोगेंस को खत्म करना। मैं सही हूं, सिर्फ मैं ही सही हूं, वो जो कह रहे हैं सब गलत, मेरी बात चलनी चाहिए, मैंने ऐसा कहा तो ऐसा होना चाहिए। कभी नजर का फर्क हो सकता है, कभी आपसे भी गलती हो सकती है, कभी आपकी सोच में भी फर्क हो सकता है। कोई ईश्वर ने आपको ठप्पा देके भेजा हुआ कि जो आप कहेंगे वही सत्य होगा, सैक्रोसेंट होगा, और सत्य के सिवा कुछ नहीं होगा। कई बार आंखों के सामने से देखी हुई चीजों में भी हम लोग का एक के लिए 9 है, दूसरे के लिए 6 है।
ऐसा क्यों सोचते कि जो आप जो कह रहे वही सही है? अगर हम इस अकड़ को, इस एरोगेंस को समाप्त कर दें तो फिर पुल बनाने में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी। दीवारें ढहा दीजिए, कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा इन सब चीजों में, इस अकड़ में, इस एरोगेंस में, इस झगड़े में। ये बहुत छोटी सी जिंदगी है जो हम जीते हैं, बहुत छोटी सी जिंदगी। आप एक एवरेज मान के चलिए कि एक आदमी ऑन एन एवरेज 80 साल जीता है, 80 इयर्स मान के चलिए। 80 इयर्स में से 40 इयर्स तो खाली नींद में चले जाते, बचे क्या 40 साल। 40 साल में से 20 साल हमारा बचपन, शुरू के 10 साल और आखिरी के 70 से 80 के बीच का बुढ़ापा उसमें चला गया। बचा क्या? 20 साल। ये 20 साल की जिंदगी जो हम जीते, उसमें भी 10 साल योग में, वियोग में, नौकरी में, पढ़ाई में, अपग्रेडेशन में, ऑफिस में, ये झंझट वो झंझट, रह क्या गया हमारे पास जीने के लिए? सिर्फ 10 साल। 80 साल में से सिर्फ 10 साल की जिंदगी है, उसको जीने के लिए हम क्यों झगड़े मोल लें? झगड़े भी किन बातों के लिए होते हैं? तुमने ऐसा क्यों कह दिया, तुमने वैसा क्यों कह दिया? अगर भाई ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, तो संपत्ति के लिए क्या हम साथ ले जाएंगे? 10 साल की जिंदगी खूबसूरती से बिता लीजिए, अच्छे से बिता लीजिए, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ बिता लीजिए। इसके सिवा दुनिया में कुछ नहीं रखा। मुझे तो वो घर मंदिर लगते हैं जहां पे सब भाई बहन एक साथ रह रहे होते हैं। तो भगवान का घर लगता है जहां पे माता पिता होते हैं, सब भाई लोग उनके चारों तरफ बैठ के शाम पे एक साथ खाना खा रहे होते, कोई मनमुटाव नहीं होता। मुझे वो दिवालय लगता है जहां पे सब भाइयों के एक कंबाइंड किचन होता है और उनके पेरेंट्स उनको आज्ञा देते कि शाम को सब खाना एक साथ खाएंगे, इतने बजे आकर बैठ जाना, और सब आके बैठ जाते हैं बच्चों की तरह, जिंदगी भर बच्चे बने रहते हैं। ये सिर्फ बहुत कम लोगों को मिलता है, इसको मत गवाइए, किसी मन मुटाव से मत गवाइए। इससे बड़ा बैलेंस जीवन में हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा सुख कोई हो नहीं सकता कि आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं और आप लोग शाम को सब भाई बहन मिलके एक साथ खाना खा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है लाइफ का। अगर आपने इसको कर लिया, आपको फिर किसी जीवन में किसी तरह के बैलेंस की जरूरत नहीं, किसी के प्रवचन की जरूरत नहीं, किसी उद्बोधन की जरूरत नहीं। आप स्वयं अपने आप में एक उदाहरण सबके लिए। जो आदमी देता है सब उसकी रक्षा करते हैं, जो समाज के लिए करता है सब उसकी रक्षा करते हैं, जो परिवार के लिए कार्य करता है सब उसकी रक्षा करते हैं। दूसरों को विद्या का दान दे रहा है, धन का दान दे रहा है, बुद्धि का दान दे रहा है, किसी भी तरह से सेवा कार्य कर रहा है, पूरा समाज उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन जो अपने धन, अपने वैभव, अपनी बुद्धि, अपनी विद्या को छुपा के रखता है, जड़ से उखाड़ दिया जाता है, कि उसकी आवश्यकता ही नहीं ना समाज में। उसका मूल्य क्या है, उसकी उपलब्धि क्या है? प्रकृति का इससे बढ़िया क्या इसका उदाहरण होगा? देखिए, वो पौधे, वो पेड़, वो वृक्ष जिनके फल हमको दिखाई देते हैं, आम का ले लीजिए, सेब ले लीजिए, केला ले लीजिए, पपीता ले लीजिए, नाशपाती, एनी ट्री, कोई भी फलदार वृक्ष हो जिसके फल बाहर से दिखाई देते हैं और आप तोड़ते हैं और तोड़ के खाते हैं, उन सब की सिंचाई होती है, उनको खाद पानी दिया जाता है और उनको ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए, लंबे जीवन के लिए उनकी पूरी देखरेख होती है। वही वो पौधे जो अपना फल छुपा के रखते हैं, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ये अपने फल को जमीन के अंदर छुपा के रखते हैं और जब इनसे फल प्राप्त करना होता है तो पूरे पूरे पौधे को उखाड़ दिया जाता है, तो तब भी उनके पास नहीं रहता, लेकिन उनके जीवन की रक्षा कोई नहीं करता। इसलिए देना सीखे,
विद्या है तो विद्या देना सीखे, धन है तो उसको बांट के खाइए, दूसरों की मदद कीजिए, जो उसके रियल हकदार है उनको दीजिए, जो जिनको जरूरत है उनकी मदद कीजिए। आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि किसको इसकी आवश्यकता है। मैं आपने शुरू शुरू के एक दो प्रोग्राम में बोला था कि आपके पास अननेसेसरी बहुत कपड़े, आजकल देखिए सर्दियां आ रही हैं, आपको लगता है कि आपके ऐसे कोई स्वेटर्स हैं जो आपके उपयोग के नहीं, आपने कई सालों से नहीं पहने हैं, दे दीजिए जिसके पास स्वेटर्स नहीं है, किसकी सर्दी अच्छी कट जाएगी, कितनी दुआएं देगा आपको, बहुत ताकत होती दुआओं में, बहुत ताकत होती है, बड़े बड़े कष्ट टल जाते हैं, बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। छोटी सी स्टोरी बहुत जिससे मेरे को बड़ा प्रभावित किया। अक्सर होता है कि हम लोग घर में रामायण होती है, महाभारत होती है, शिव पुराण होता है, गीता होती है, सब रखे होते हैं, रोज पूजा करेंगे लोग, गीता को मंदिर में रखते हैं, मूर्तियों के साथ उसकी पूजा करते हैं, लेकिन अफसोस पढ़ते नहीं है। और आज की युवा पीढ़ी से अगर आप पूछ लीजिए कि राम के पूरे परिवार के बारे में या किसका किसी, तो वो महाभारत और रामायण को मिक्स करके बताएंगे, कौन किसका भाई था उनको नहीं पता, कुंभकर्ण किसका भाई था, कंस किसका मामा था उनको नहीं पता, भाई नहीं कभी कोशिश ही नहीं की, क्या फायदा रखने से। ये तो यही है कि आपने अच्छे अच्छे फ्रूट्स घर में रखे हो लेकिन खा नहीं रहे, घर में पौधे लगा रखे हैं आपने, फलों के पेड़ लगा रखे हैं, सब्जियों के पेड़ लगा रखे हैं, लेकिन उसका उपयोग आप नहीं कर रहे, सूखे जा रहे हैं पड़े पड़े। एक स्त्री थी जो मैं कहानी सुनाने जा रहा था, एक स्त्री थी वो मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांग रही थी, क्योंकि एक परिचित सज्जन की नजर उन पे पड़ी, उनके पास गए और कहा बहन जी आप तो उनकी पत्नी हैं, सो एंड सो, कहते हाँ साहब मैं उन्हीं की पत्नी हूं, लेकिन उनका इंतकाल हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी, आपका तो बेटा भी था जिसने इंजीनियरिंग की थी IIT से, वो कहाँ है? ने कहा वो बेटा जो था उसका विदेश में चला गया, जाने से पहले हमको 50,000 रुपये दे गया था, वो मैंने खर्चा कर लिया, उसके बाद ने उसने कुछ भेजा नहीं पैसा, तो मैं भीख मांग के गुजारा कर रही हूँ, उसी घर में रह रही हूँ। उसने कहा उसने कभी कुछ नहीं भेजा? उसने कहा, उस लेडी ने कहा कि नहीं वो कोई हर महीने कोई लिफाफा आता है उसके अंदर रंगीन कागज सा पड़ा होता है, वो घर में दीवार पे चिपका देती हूँ फोटो समझ के। उसने कहा चलिए मुझे दिखाइए, ले गई उनको घर। उस सज्जन ने जाके देखा कि उसके एक कमरे में 20-25 बैंक ड्राफ्ट जिसमें 50,000 रुपये हर महीने भेजे गए तो दीवार पे चिपके। उस महिला को ज्ञान ही नहीं था कि उसने ड्राफ्ट में पैसे भेजे, वो विदेश से और क्या कर सकता था, उसको पता ही नहीं था वो कितनी संपदा की मालकिन है, उसके खर्च के लिए उसका पुत्र कितना कुछ कर रहा है, उनको इसका ज्ञान ही नहीं था। ऐसे ही हम भी धर्म ग्रंथों को अलमारियों में सजा के रखते हैं, मंदिर में सजा के रखते हैं सिर्फ उनकी पूजा करने के लिए, लेकिन ना उनको पढ़ेंगे ना उसमें दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे। गीता तो लाइफ मैनेजमेंट है ना, उसके बारे में इन्हीं सोपानों में अलग अलग विद्वानों ने विभिन्न तरह से व्याख्या की है, और रामायण में तो सीधे सीधे परस्पर किस तरीके के संबंध बनाया जाए, कैसे आदर्श प्रस्तुत किए जाए वो बताया गया है। इन्हीं दो ग्रंथों को पढ़ लें तो जीवन के सारे बैलेंस सामने आ जाएंगे। फिर आपको किसी तरह कोई आवश्यकता उसको पढ़िए, इन ग्रंथों को पढ़िए। मैं नहीं कहता कि आप एक अभी शुरू करके अखंड रामायण की तरीके 24 घंटे में समाप्त कीजिए, रोज एक थोड़ा 10 पन्ने पढ़ लीजिए, 5 पन्ने पढ़ लीजिए, आधा घंटा दीजिए, जैसे आप सुबह एक्सरसाइज के लिए देते हैं ऐसे ही शाम को खाने से पहले आधा घंटा बैठ के पढ़ लीजिए, देखिए किस तरह के आदर्श प्रस्तुत, राम का आदर्श कैसा था, लक्ष्मण का आदर्श कैसा था,
भरत का आदर्श कैसा था, माँ सीता का आदर्श कैसा था, हनुमान का आदर्श कैसा था, कहाँ सेवक भाव है, कहीं भ्रातृ भाव है, पितृ भाव है, कहाँ पत्नी भाव है, कहाँ पति भाव है। इस तरह के आदर्शों को जीवन में अपनाइए, जीवन में ढालिए, आपको किसी तरह के किसी प्रवचन या उद्बोधन या सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बड़े मित्र हैं ये ग्रंथ, इनको सिर्फ सजा के मत रखिए। सजा के रखने से क्या फायदा? अच्छा देखिए, हम लोग इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, अभी आप सोचिए क्या इन चीजों पे हम लोग के झगड़े होते हैं आपस में, बहन भाइयों में हो गए, यारों दोस्तों में हो गए, आर दे वर्थ इट? जिन चीजों के लिए मन मुटाव होता है, प्रोफेशन में हो जाता है, स्टडीज में हो जाता है, स्टूडेंट्स में हो जाता है, टीचर्स में हो जाता है, लेकिन कभी आप लाइफ में बैक की तरफ जाकर देखें तो आपको खुद महसूस होगा क्या वाकई में उस वक्त ये जिस चीज के लिए हम लोग ने इतना झगड़ा किया, इतना स्ट्रेस लिया, इतना टेंशन लिया, वो चीज इस काबिल थी क्या, उसकी इतनी वर्थ थी क्या, उसका ये मूल्य था जिसके लिए हम लोग इतने अपने आप को परेशान करें? छोटी छोटी बातों के लिए लड़ना थोड़ा अहम, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे से आगे कैसे चल सकता है, इसने बात कैसे कह दी, या मीटिंग में इसकी बात को कैसे एक्सेप्ट कर लिया गया, उसने मेरी बात को नकार क्यों दिया, और नौकरों से झगड़ा कर लेना, पड़ोसी पड़ोसी से बात बात पे तुमने कूड़ा यहां के फेंक दिया, be fighting for all these filthy things. इन सब चीजों का जीवन में कोई मूल्य है? ये हमारे जीवन को कहां सुधारने जा रहे हैं, क्या सुधार मिल जाएगा? लड़ना है तो जीवन के उद्देश्य बनाइए, सपने बनाइए, अपने सपने संजोइए और फिर उनके लिए लड़िए, अपने आप से लड़िए, अपने आप को पहले से ज्यादा उत्कृष्ट बनाइए और ऊंचा बनाइए। कोशिश कीजिए कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, आपके जो टारगेट्स हैं, जैसे शुरू में मैंने कहा अपने टारगेट्स खुद सेट करिए, उन टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए लड़िए, स्वयं से लड़िए, अपने आप को और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। जीवन मूल्य है और बहुत छोटा है, आपके बहुत कम समय है, उनको इस तरह की बेकार की लड़ाइयों में मत खराब कीजिए। कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में, पड़ोसी पड़ोसी, नौकर चाकर, ड्राइवर को डांट दिया, उसको डांट दिया, पत्नी से झगड़ा हो गया, चाय गर्म हो गई चाय ठंडी, आर दे रियली वर्थ इट? अगर आप इन सब चीजों को हटाते चले जाएंगे तो विश्वास मानिए आप बहुत बड़े बोझ से हल्के, अननेसेसरी के स्ट्रेस लेते हैं, ना मतलब के स्ट्रेस जिसका कोई कारण नहीं होता ना, उस चीज को भी हम लोग टेंशन बना के बैठा, बड़ा टेंशन हो रहा था, बहुत टेंशन, भाई तो ऐसा काम ही क्यों करते हो जिसमें टेंशन होता, मत करो। तो आजकल इतना कॉम्पिटिटिव लाइफ है, बड़ा टेंशन, अरे चीजों को पैशन बनाओ, अगर तुम्हें, मैंने कहा टारगेट्स खुद सेट करिए, उसके फिर पूरे 100% लगा दीजिए और उसको पैशन बनाइए, जब पैशन हो जाएगा तो टेंशन अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपको करना ही है, ये आपका 10 जगह तो दिमाग डाइवर्ट रहेगा। बच्चों का आजकल ये होता है कि फेसबुक भी देखना है, इंस्टाग्राम में भी जाना है, रील भी बनानी है, उधर फ्रेंडशिप में भी देखना है, उधर जाके रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाना है, इधर का खाना पिज्जा खाना। पढ़ाई के लिए भी तो समय दीजिए, पढ़ाई के लिए समय नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? टारगेट्स जो भी आपने टारगेट्स बनाए उसके लिए भी समय दीजिए, और जितना बड़ा टारगेट है उतना ज्यादा वक्त आपको देना पड़ेगा। आप पुराने लोगों के अचीवमेंट्स देखिए, अगर साइंटिस्ट के देखिए तो 24 48 48 घंटे अपनी प्रयोगशाला से बाहर नहीं निकलते थे, दिमाग वहीं लगा रहता था उनका कि किस तरीके से इस चीज को सॉल्व करें। तो आपका जब दिमाग 10 जगह डाइवर्ट होगा, इधर उधर जाएगा, तो कैसे अचीवमेंट्स होंगे?
आजकल बच्चों को देखिए, स्कूल्स जाते हैं, बड़ा टेंशन सा, पढ़ाई का बड़ा टेंशन है, बहुत टेंशन। मुझसे पूछिए, आपको कॉन्वेंट स्कूलों में भेजा जाता है, कहाँ के सारे स्कूल्स, सारी क्लासेस एसी हैं, फुली एयर कंडीशन क्लासेस हैं, फीस आपके पेरेंट्स देते हैं, और टीचर्स आज के जो कंडीशन है उसमें आपको छूट नहीं सकते, आपके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते, आप इमीडिएट जाते हैं, FIR करा देते हैं, फिर काहे का टेंशन? जब आपको फीस नहीं देनी है, आपका कंडीशन, आपकी एयर है वहां पे, वहां का कंडीशन टेम्परेचर है, और टीचर्स आपको डांट नहीं सकता, आपके साथ मारपीट नहीं कर सकता, किस चीज का टेंशन है? आपको ज्ञान करने के लिए, अक्षर ज्ञान करने में या नई चीजों को सीखने का टेंशन है? आप पढ़ाई को पैशन की तरीके लीजिए, इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं आपको, अच्छा पहनने को, अच्छा खाने को, घर से आपको हर तरीके से ड्राइवर जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, या आपको अदरवाइज, जिसको देखो आजकल ये 2 व्हीलर्स कुछ सभी के पास रहते हैं, बच्चों के पास स्कूल से जाते हैं, 9 9 10 से 11 12 तक, ये तो कोई ड्राइवर छोड़ दिया, बसेस में जा रहे हैं, स्कूल की बसेस में जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी कर सकते, उसमें भी आपको टेंशन? ये ऐसी सोच बना ली हम लोगों ने, आप अपनी पढ़ाई को पैशन की तरह लीजिए, इंजॉय कीजिए, इट्स अ प्लेजर फॉर यू। वो 4 6 8 घंटे जो आप स्कूल में बिताते हैं अपने गुरु के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, अपने मित्रों के साथ, उससे जीवन जीना सीखिए, किस तरीके से जीवन जिया जाता है। लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन सबसे फुर्सत मिले तब ना, उधर ज्यादा दिमाग जाता है। फेसबुक इंस्टाग्राम की बात हो रही, तो मैं थोड़ी सी यंगस्टर से भी बात करना चाहूंगा अंत में, थोड़ी सी। बड़ी अजीब सा माहौल हो गया है, जिसको देखिए वो स्क्रीन में लगा हुआ है, व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, फेसबुक पे लाइक अनलाइक, अंगूठा ऊपर अंगूठा नीचे, यही देखने में कि मेरे को कितने लाइक्स मिले कितने नहीं मिले, इंस्टाग्राम से रील बना बना के, फोटो डाल डाल के, हम अपने आप को कितना ज्यादा एक्सपोज करते जा रहे हैं। एक तो एडिक्शन हो गया है, मैं पहले भी एक दो लेक्चर में कह चुका हूँ कि हमने स्क्रीन का बहुत एडिक्शन हो गया। अगर थोड़ी देर हम लोग व्हाट्सएप को ना खोलें या उसको ना खंगा लें, अजीब सी हरारत होने लगती है, जैसे बुखार सा आ गया हो, हमने काफी देर से व्हाट्सएप को छुआ नहीं है, मोबाइल को छुआ नहीं है। इन सब चीजों को कम करिए, फिर वही अपने टारगेट्स फिक्स करिए, उनके पीछे भागे, ये सब आपके टारगेट्स नहीं है। स्क्रीन इज नॉट योर टारगेट, रील्स बनाना आपकी टारगेट नहीं है, और फेसबुक में जहां भी आप जाते हो, जहां खाना खाते हो, जहां किसी रेस्टोरेंट में बैठ गए या कहीं घूमने चले गए, वहां की फोटो खींच के डाल देते हो, ये सब आपके डेटा कलेक्ट हो रहे हैं, एंड ऑल डेटा आर गोइंग टू बी यूटिलाइज गाइड योर फर्दर लाइफ। आप इन डेटा के, अपने ही डेटा जो आप दीदी इन सब पे लोड कर रहे हैं, आप इन्हीं के गुलाम बन जाएंगे आगे से। एक एक चीज गाइडिंग फैक्टर, आप कभी अपने मोबाइल को खोल के देखे, आई वॉज सरप्राइज, एक बार मैंने ऐसे देखा कि लास्ट यू विजिटेड इन 1 ईयर, एक साल में मैं जहां जहां गया था, किस किस एरिया में गया, किस किस होटल में गया, किस रेस्टोरेंट में खाना खाया, वहां का पूरा डिटेल दिया हुआ, एंड आई वॉज सरप्राइज। अरे मेरे से ज्यादा तो गूगल को पता है कि मैं कहाँ कहाँ, मैं तो सब भूल गया था। हम क्यों अपने डेटा दूसरे को दे रहे हैं? दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स फ्रॉम इनफॉर्म सोर्सेस या इनफॉर्मल सोर्सेस, बच्चों इन सबसे बचो, नई नई नौकरियां लगी आप लोग की, नया नया संसार में आए हैं, अपने खर्चे मत बढ़ाइए, अपने खर्चे उसी में रखिए जिसमें आपकी सैलरी आती है या जितना आप सैलरी से बचा सकते हो। सिर्फ खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मत करिए। मैंने इधर बच्चों को देखा है, वो अजीब से कॉकस में फंसे जा रहे हैं,
डिफरेंट ऑफर्स आते हैं, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड से लिया, अनसिक्योर्ड लोन लीजिए, इधर से लीजिए, उधर से लीजिए, डिफरेंट एजेंसीज के मैसेज आने, वो भी शॉप शॉप में चलो ये खरीदना वो खरीदना खरीद लेते हैं, ब्रांडेड आइटम्स लेनी है, 35-35, 36-36% इंटरेस्ट पे ले रहे हैं। और उसके बाद उनका ये हाल हो जाता है कि सैलरी बैंक में क्रेडिट होती ही उनकी सारी ईएमआई डेबिट होनी शुरू हो जाती है और वो एक लोन को रीपे करने के लिए दूसरा लोन लेना शुरू कर देते हैं, लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन लेते चले जा रहे हैं इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए लोन। अभी 2-3 बच्चों का इस तरीके केसेस मेरे पास आए थे, अभी एक काम भी चल रहा है, उसका डिस्कशन चल रहा है कि कैसे उसको रीपे किया जाए, से कॉकस में फंस गए। तो प्लीज अपने क्रेडिट कार्ड्स को तभी इस्तेमाल करिए जब बहुत इमरजेंसी हो, सिर्फ अपने शौक के लिए मत करिए। ये ऐसी चीजें हैं क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करिए ना, जब आपके बैंक में अकाउंट में पैसे हैं उसी में से तो निकलेंगे, आप क्यों क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, डोंट यूज दैट, किसी ने नहीं कहा। आप उधार मत लीजिए, अपने शौक पूरे करने के लिए उधार मत लीजिए, आप अपने लिए अपनी प्रोग्रेस में जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोड़ा खड़ा करने जा रहे हैं, आपका यही टेंशन रहेगा कैसे इसको दूर करें। फिर बच्चों से एक और गुजारिश है मेरी, देखते हैं आज के बड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं, बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, मेरी हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है, बच्चों तुम लोगों को तुम्हारे पेरेंट्स ने किस तरीके से पाला पोसा है, किस तरीके से अपनी जान लगा के तुम लोग को बड़ा किया है, किस तरीके से अपना पेट काट काट कर तुम लोग को पाला है, बड़ा किया है, आज इस काबिल बना दिया है कि आप एक छोटी नौकरी करने लायक हो गए, अच्छी एजुकेशन की तरफ भेज दिया, लेकिन आपको 2 व्हीलर्स मिलती ही आप एक्सीलेटर ऐसे मोड़ते हो कि जैसे किसी जानवर का कान मरोड़ रहे हो, उसी में आपको अपनी पूरी कहना चाहिए जवानी दिखाई देती है, सारी ताकत उसके एक्सीलेटर को मोड़ने में, इतनी रैश ड्राइविंग, इतनी रैश ड्राइविंग, आप सोचते हैं कि आप बड़े हीरो लग रहे हो, विश्वास मानिए जो भी आपके बगल से गुजरता है या जिसके बगल से आप गुजरते हो आपकी तारीफ नहीं करता, ना आपकी जवानी देखता है, ना आपकी ये जो आपके हुनर हासिल किया रैश ड्राइविंग का उसको देखता, वो आपको बेवकूफ समझता है, आपको नालायक समझता है, अनकंट्रोल्ड बच्चा समझता है, पैम्पर्ड बच्चा समझता है आपको आपके पेरेंट्स का, इसलिए अपने आप को संभालो। ये जरा सी गलती से जीवन समाप्त हो जाता है, माँ जब भेजती है आपको घर से तो आपकी पीठ देखती है कि बच्चा ठीक ठाक वापस आएगा, और अपनी रैश ड्राइविंग से आप जब एक्सीडेंट करते हो चेहरा देखने लायक नहीं होता, ऐसे हालात पैदा करते हो, अपने आप को संभाल लो। हमारी अगली पीढ़ी बहुत कीमती है, हमारे यहाँ यंगस्टर्स जो है ये इस वक्त मैक्सिमम परसेंटेज है ऑल ओवर वर्ल्ड, और यही इस देश का एसेट है, इस एसेट को बर्बाद मत होने दो, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होना चाहिए, अपने आप में क्वालिटीज पैदा करिए, सहनशीलता रखिए, सहजता रखिए, हीरो बनने की कोशिश मत करिए। आप जब 40-50 की स्पीड चलाते तो आप बहुत बड़े हीरो लगते हैं, और जब आप अपनी रैश ड्राइविंग में आते हैं तो सच बानी आप हीरो की जगह जीरो लगने लगते हैं। मेरा आज का संदेश यही था, आज का उद्बोधन समाप्त भी समय भी समाप्त हो गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने अच्छे से मेरे को सुना, इतने धीरज रख सुना, धैर्य रख के सुना, धन्यवाद। धन्यवाद अदानी नायक साहब, आज आपने युवा पीढ़ी के लिए संदेश दिया और बड़ा सारगर्भित रहा। अब मैं सभी लोगों को म्यूट कर देता हूँ। 1 घंटा 8 मिनट हो गए इंतजार करते करते, और मैं सोच रहा था कि नायक साहब से चर्चा खत्म हो और उनका वक्तव्य शुरू हो, वक्तव्य तो उन्होंने दिया नहीं कुछ, हाँ अपने जीवन के अनुभव, लोगों के जीवन सुधारने के तरीके, सहिष्णुता, सहनशीलता, संस्कार, इन सारी बातों को उन्होंने बातों बातों में इस तरह 1 घंटे 7 मिनट निकाल दिया कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनको धन्यवाद दूं किस बात के लिए, मैं नहीं ये सोच पा रहा हूँ।
क्योंकि ये जो बातें उन्होंने कही हैं, अगर इनमें से एक तो भी पकड़ लें हम, चलिए ये इसी बात को ही पकड़ लें कि हम सहनशीलता वाली बात पकड़ लें, हम कर्ज, अच्छा चलिए अरविंद भाई साहब ने कहा कर्ज की बात समझ लें, मर्ज की बात समझ लें, तो साहब आपका तो 1 घंटे 7 मिनट में आपने बोल दिया एक दिन की पूरी बात। हम दिन भर में, हम तो ये सोच रहे थे कि आपसे चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है और उस बातचीत में चलेंगे, लेकिन अब बातचीत 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 में आपने बड़ा दर्शन दे दिया पूरा। आपको धन्यवाद कैसे दें? क्यों? क्योंकि आपने संतुलित जीवन जीने के लिए व्यवहारिक जो दर्शन दिया है, व्यवहारिक जो संस्मरण सुनाए हैं, व्यवहारिक जो तरीके बताए हैं, उसका कोई मैच नहीं है, किसी भाषण से उसका नहीं हो सकता है, आपके वक्तव्य का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आपकी एक एक बात जो आपने सुनाई है, मैं तो आपको उस दिन से याद रख रहा हूं कि जब होली में आपका वो कारपेंटर जा रहा था, भावनात्मक बात देखिए, तो जाते समय आपने श्रीमती जी से कहा कि उसको कुछ दे दो, रंग गुलाल के लिए दे दो और कुछ मिठाई विठाई दे दो। दिस इज, ये रियल है, ये अगर आदमी अपना ले इस बात को, नौकर को नौकर ना समझे और अगर भावनात्मक रूप से हो, तो आप बड़े हो गए, और बड़े होने के लिए बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है इससे ज्यादा। बाकी तो आप पद भूल गया, जो कुर्सी थी आपकी गई, पैसा भी आपके पास मिले, लेकिन मूल बात यह है कि वो परमानेंट इंप्रेशन और वो जो भावना आपने संजो के रखी है, जिसको विकसित किया है, वो कीमती है। आज आपने बहुत अपने संतुलित जीवन जीने के लिए, एक्सट्रीम नहीं जाएंगे हम किसी बात पे, हम उस संतुलित जीवन जीने के लिए जो आपने गुरु दिए हैं, जो आपने सूत्र दिए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप न केवल धन्यवाद के बल्कि आदर के भी पात्र हैं। हम सब लोग आपके इन बेशकीमती सुझावों को तहे दिल से स्वीकार करते हैं, कोशिश करेंगे कि इनमें से कितने अपने जीवन में आत्मसात कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आदरणीय नायब साहब को। धन्यवाद आदरणीय जेपी सर, धन्यवाद आदरणीय एन के नायब साहब कि आपने समय निकाल के समय दिया, और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं आज का विचार। जो समय चिंता में व्यतीत हो रहा है, जो समय चिंता में व्यतीत हो रहा है वह कूड़ेदान में जाता है। जो समय चिंता में व्यतीत हो रहा है वो कूड़ेदान में जाता है, बहुत अच्छा, और जो समय चिंतन में व्यतीत हो रहा है वो क्या, हाँ, क्या बात है, क्या बात है साहब, अरे वाह वाह वाह, सुंदर। जो समय चिंतन में व्यतीत हो रहा है वह तिजोरी में जाता है, जमा हो जाता बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, है। जो समय चिंतन में व्यतीत हो रहा है वह तिजोरी में जमा हो जाता है। एक माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है, एक माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, तू वाह क्या तो बात भगवान का है, दिया है, तो तू किस बात से डरता है। वाह 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 बहुत वाह वाह वाह, आखिरी सुंदर, लाइन तो सही एकदम बात, कमाल है, चलिए सर तू तो भगवान बहुत का दिया तो किस बात शानदार, से डरता है। वाह बहुत बहुत बहुत, आखिरी 4 शब्द तो आपने बस भगवान की कृपा से चलता चलता है, बस ये कह दिया आपने, माने सारा सार आ गया उसमें, बहुत सुंदर, अति बढ़िया सर। सुंदर। चलिए आइए सब 3 माम को क्या कहते हैं। शांतिर्विश्वेदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति।
शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि ओम शांति शांति।